News 18 India पर सामने आ रही है News 18 India पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रहे हैं, ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी, ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए बड़ी जानकारी सामने आ गई है, इंडी गठबंधन को बहुत बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन को यह झटका दिया है, कहा कि मेरा कोई भी प्रस्ताव नहीं माना गया और बंगाल में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि मेरा प्रस्ताव नहीं माना गया इसलिए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला, जो प्रस्ताव दिया वो सभी ठुकरा दिए गए। कांग्रेस और लेफ्ट पर ममता बनर्जी भड़की हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इससे पहले भी उनकी तरफ से बात कही गई थी कि जब बैठक में कोई बात वो रखती हैं तो उनके प्रस्ताव को नहीं माना जाता। और इससे पहले हम लगातार देख रहे थे कि अधीर रंजन चौधरी भी किस तरीके से ममता बनर्जी पर और बंगाल की शासन प्रशासन को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे। ऐसे में इंडी गठबंधन को ये बहुत बड़ा झटका है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि अकेले ही वो चुनाव लड़ने जा रही हैं, क्योंकि प्रस्ताव उन्होंने रखे, कोई भी प्रस्ताव उनका माना नहीं गया। ये नाराजगी है उनकी और यही वजह है कि अब वो अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी हैं। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे, प्रस्ताव नहीं माना गया इसलिए अकेले चुनाव लड़ेंगे, जो प्रस्ताव दिया वो सभी ठुकरा दिए गए। और बंगला में हम जब इंडिया का मीटिंग करते हैं, इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का, हम जो मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। हमको बहुत असम्मान मिलते हैं, लेकिन तब भी जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला, रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी के ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है और 300 सीट में आप अकेला लड़ो हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। तो देखिए ये बयान आपने सुना और ममता बनर्जी ने ये बयान देकर कल ही साफ कर दिया था कि वो कहती हैं कि रीजनल पार्टी पर भरोसा जताया जाए क्योंकि वही पार्टी मजबूत स्थिति में है और इसी से आप लोकसभा चुनाव जीतेगा। लेकिन लगातार जब भी मीटिंग होती थी इंडी गठबंधन की जब भी मीटिंग होती थी, ममता बनर्जी कह रही है कि उनको डिसरिस्पेक्ट यानी उनका असम्मान किया जाता था। और News 18 India की हमारी सहयोगी आशिका इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशिका, ममता बनर्जी ने हिंट तो पहले ही दे दिया था कि उनकी बात नहीं मानी जाती, उनका सम्मान नहीं किया जाता और अब उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला भी कर लिया है। बिल्कुल, बड़ा ऐलान है ये ममता बनर्जी का, साफ कर दिया है कि बंगाल में एकला चलो की नीति पर ही टीएमसी चलेगी। उन्होंने साफ कहा राहुल गांधी की न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में आ रही है, लेकिन इंडी गठबंधन में होने के बावजूद टीएमसी को ममता बनर्जी को कोई जानकारी इसकी नहीं दी गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ममता ने साफ कहा है कि हमने शुरू में ही उनको प्रस्ताव दिया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया और अब हमने मन बना लिया है कि हम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो 2 सीटें देने को तैयार थी ममता बनर्जी कांग्रेस को राज्य में, जो कि उनके पास पहले से थी वही 2 सीटें, लेकिन कांग्रेस इस पर मंजूर नहीं था। कांग्रेस को ये कांग्रेस की तरफ से लगातार बयान आ रहे थे, अधीर रंजन चौधरी के बयान आ रहे थे कि इसे लेकर के वो खुश नहीं है, जिसके बाद अब ममता बनर्जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो बंगाल में अकेले ही टीएमसी चुनाव लड़ेगी, चुनाव मैदान में उतरेगी। और बंगाल में नाराजगी की नीति पर चलती हुई टीएमसी दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरीके से आलोचना की गई, 10 से 12 सीटें कांग्रेस की ओर से मांगी गई थी टीएमसी की ओर से, ऐसे में इंडी अलायंस जो है इसमें आप टीएमसी का रोल अब कैसे देख रही है? देखिए, ममता बनर्जी ने अभी भी ये कहा है कि नेशनल लेवल पर चुनाव में क्या होगा क्या नहीं ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन बंगाल में अकेले लड़ेंगे। जो 2 सीटें जो कांग्रेस के पास पहले से थी वही देने को तैयार थी ममता बनर्जी, लेकिन कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, सीटें ज्यादा मांग रही थी, जिसे लेकर के अभिषेक बनर्जी भी पहले ट्वीट कर चुके हैं कि असम में एक छोटे से चुनाव में जो है कांग्रेस का वोट परसेंटेज टीएमसी से कम रहता है, ऐसे में वो बंगाल में कैसे ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, इसे लेकर के नाराजगी ममता बनर्जी ने भी आज
दिखाई। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो ये रैली है वो पश्चिम बंगाल में आ रही है, लेकिन इसके बारे में उनको कोई सूचना दी नहीं जाती है, जबकि वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है। तो नाराजगी जताते हुए ममता बनर्जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में एकला चोलो की ही नीति पर टीएमसी टिकी रहेगी और सभी जो 42 सीटें हैं उस पर टीएमसी ताल ठोकेगी, और भले ही कांग्रेस उनके सामने हो लेकिन बंगाल में टीएमसी अकेले ही चलेगी। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है, इंडी गठबंधन में बड़ी दरार, क्योंकि ममता बनर्जी वही सबसे बड़ा चेहरा इस गठबंधन का थी जिन्होंने झटका दिया है, बड़ा झटका कांग्रेस को। और अब तक ममता बनर्जी